फ्रेंड्स, मैं जमाल और सी पैनल ट्यूटोरियल सीरीज पे हम काम कर रहे थे डोमेन रजिस्टर की होस्टिंग पैनल पे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि एडोन डोमेन को हम किस तरह से ऐड करते हैं। तो सिनारियो ये था कि अगर हम डोमेन अगर हमारा एक्सटर्नल है, अगर किसी और डोमेन रजिस्ट्रार से हमने वो डोमेन परचेज किया है, तो हम अपने सी पैनल में किस तरह से उस डोमेन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक नज़र इस पैकेज पे डालते हैं जो पैकेज प्रोवाइड करता है डोमेन रजिस्टर। और इन सारे पैकेजेस को आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो, आप एक सिंपल स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ये पैकेज अच्छा है। अगर आप कोई एक फ्रीलांस डेवलपर हो, या अगर कोई इनिशियल कोई कंपनी है, तो आपके लिए ये पैकेज अच्छा है, जहाँ पे ये फ्री अनलिमिटेड डोमेन्स है ना, अनलिमिटेड डोमेन वेबसाइट्स को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप बहुत सारे प्रीमियम SEO टूल्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये ओवरऑल काफ़ी अच्छा है पैकेजेस। बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जो अपना प्रमोशन करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे अच्छी कंपनीज भी हैं जो प्रमोशन नहीं करते हैं। एज ए डेवलपर ही आप जान पाते हो उन सारी कंपनीज के बारे में। तो जैसे कि हम डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो इनके ऊपर हम लोग काफ़ी काम कर चुके हैं। तो ये अगर आप लोगों को ज़रूरत है एज अ बिगिनर स्टूडेंट या एज अ एंड्रॉयड डेवलपर लर्नर के एंड्रॉयड ट्रेनिंग में, अगर आपको API स्टोर करने के लिए अगर होस्टिंग पैकेज लगता है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप इस होस्टिंग पैकेज को एक बार ज़रूर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वापस हम चले आते हैं अपने टॉपिक पे, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे डोमेन के ऊपर। तो आज इस वीडियो में हम टॉपिक देखेंगे सब डोमेन। ठीक है, तो सब डोमेन क्या है कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर हम समझते हैं। बहुत बार देखिए सिचुएशन ऐसा होता है कि हमें अपने ही साइट में कुछ काम करना होता है, बट वो काम जो होता है ना, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा सेपरेट हो, मेन जो हमारा वेबसाइट है उसे थोड़ा सा सपोर्ट। जैसे कि हमने एक डोमेन लिया bcmca.com, अब हम चाहते हैं कि ये bcmca.com में जो एक्चुअल हमारा रूट वर्क है वो तो हो। ठीक है, सपोज जैसे यहाँ पे हम अपने ट्रेनिंग पैकेजेस को सेल कर रहे हैं, फ्री वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं हमने, कुछ नोटिफिकेशंस हैं, कुछ नोटिस हैं, न्यूज़ बोर्ड्स हैं, ये सारे हैं। बट मैं चाहता हूँ कि इसी डोमेन पे मैं अब असाइनमेंट का भी काम करूँ, मैं अब स्टूडेंट्स के असाइनमेंट का भी काम करूँ, बट मैं चाहता हूँ कि वो उसके लिए जो पेजेस है ना, वो जो वेब पेजेस हैं, वो बिल्कुल फ्रेश बने। अगर मैं एक नया डोमेन पे जाता हूँ, तो हमारा SEO टूल्स भी बिल्कुल नए तरीके से काम करेगा। बट हम चाहते हैं कि ये डोमेन से मिलता इसी डोमेन पे काम हो, बट उसका पेजेस वगैरह बिल्कुल अलग हो। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम इसी डोमेन के अंदर यहाँ पे एक फ्रेश सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। सब डोमेन क्या करेगा, एक सेपरेट पाथ क्रिएट कर देगा, और ये एक बिल्कुल सेपरेट स्पेस भी आपको देगा, जहाँ पे आप अपना फ्रेश पूरा कंटेंट और फ्रेश वेबसाइट ही आप अपलोड कर सकते हो, जिस वेबसाइट का इस वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं होगा, बट ये इसी पाथ में खुलेगा, है ना। और ये ओपन किस तरह से होगा, सपोज आप चाहते हो असाइनमेंट के नाम से बनाना, तो ये assignment.bcamca.com इस तरह से खुलेगा। और अगर आप सिर्फ bcmca ओपन करते हो, तो ये पेरेंट साइट खुलेगी इसकी। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, अगर इस तरह से हमारा एक सेपरेट पाथ हो जाए और एक फ्रेश डोमेन, फ्रेश कंटेंट यहाँ पे खुले, तो इस तरह से हम assignment.bcmca.com जो है वो खोल सकते हैं। इस तरह से आपने बहुत सारे साइट देखे होंगे। तो चलिए ये हम देखते हैं कि सी पैनल जो हमने डोमेन रजिस्टर का ले रखा है, उसके अंदर ये चीज़ हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो ये डोमेन सेक्शंस में ही जाएंगे हम, यहाँ से सब डोमेन में चले जाएंगे। और सब डोमेन में जाने के बाद आपको क्या करना है, पहले किस नाम से बनाना है। सपोज bsudocu.com ऑलरेडी एक डोमेन है यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोज अगर मैं चाहता हूँ पोर्टफोलियो नाम से तो ये कैसे खुलेगा, portfolio.bsu.com। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये खुलेगा। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिक इसने डॉक्यूमेंट रूट भी बना लिया portfolio.bsu.com। और फिर आपको क्या करना है, क्रिएट पे बटन पे क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, इस तरह का एक फोल्डर स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करके देगा। देखिए ये क्रिएट हो गया सक्सेस portfolio.bsu.com। गो बैक पे चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा ये सब डोमेन क्रिएटेड किया गया है कहाँ पे, bsu.com के अंदर क्रिएट किया गया। सी पैनल पे चलते हैं हम, और फाइल्स मैनेजर में चलते हैं, और यहाँ जाके हम देखेंगे
देखिए क्या दिख रहा है आपको, portfolio.bsu.qcom, और जो मेन रूट साइट है वो उस public.html के अंदर चल रहा है, और जो एक जो उसका सब डोमेन साइट है वो इसके अंदर चलेगा। तो यहाँ पे आप फ्रेश पूरा कंप्लीट डेडिकेटेड अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हो और ये बिल्कुल इस पाथ पे चलेगा, ठीक है। तो ये था प्रोसेस सब डोमेन क्रिएट करने का। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।